नटवर लाल का जिक्र आते ही दिमाग में एक ऐसे शख्स की छवि बनने लगती है जो अव्वल दर्जे का धूर्त और काइया हो, जो लोगों को अपनी मीठी जुबान और धारदार दिमाग से हलाल करता हो। नटवर लाल की इसी छवि को साल 1979 में सिनेमा के रूप वाले पर्दे पर भी भुनाने की सफल कोशिश हुई और फिल्म का नाम रखा गया मिस्टर नटवर लाल। नवजीवन फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था टोनी ने, तथा इसके निर्देशक थे राकेश कुमार, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा साल 1977 की खून पसीना, 1980 की दो और दो पांच, 1981 की याराना जैसी अन्य लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन भी किया है। फिल्म मिस्टर नटवरलाल की कहानी लिखी थी ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने, स्क्रीन प्ले लिखा था स्वयं राकेश कुमार ने और डायलॉग्स लिखे थे कादर खान साहब ने। 2 घंटे 28 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 8 जून 1979 को। फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, रेखा, अमजद खान, अजीत खान, कादर खान, सत्येन कप्पू, रजनी शर्मा, इफ्तेखार, यूनुस परवेज आदि। इस फिल्म के सुमधुर गीतों में संगीत था राजेश रोशन का, तथा इनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के इन गीतों में आवाज थी मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मास्टर रवि का। गानों के सभी वर्जन मिलाकर कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे कयामत है, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, परदेसिया ये सच्चे पिया, तौबा तौबा और ऊंची ऊंची बातों से गीत के 2 वर्जन। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 25 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म मिस्टर नटवरलाल साल 1979 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 4थे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए और इसने 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। बात करें इस साल के टॉप 3 कमाओ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही फिल्म सुहाग, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और हिट रही। दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म जानी दुश्मन, इसकी कुल कमाई रही 4 करोड़ 50 लाख रुपए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सरगम, इसने कुल 4 करोड़ रुपए कमाए थे और यह भी सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, कहा जाता है कि फिल्म मिस्टर नटवरलाल इसी नाम के एक असली ठग पर आधारित थी, परंतु सही मायनों में देखा जाए तो फिल्म में अमिताभ बच्चन ठगी करते नजर तो आते जरूर हैं, पर असली ठग नटवरलाल की कहानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ नाम भर रख देने से ना कोई नटवरलाल बन जाता है और ना सिर्फ फिल्म बना देने से नटवरलाल हीरो बन जाता है। फैक्ट नंबर 3, कहा जाता है कि फिल्म मिस्टर नटवरलाल के बनने पर कुछ लोगों ने जब असली ठग नटवरलाल से पूछा कि आपने फिल्म देखी या नहीं, नटवरलाल का जवाब था, जब असली नटवरलाल मैं हूं तो मुझे फिल्म देखने की आवश्यकता ही क्या है। नटवरलाल का यह बयान बड़ा पशुपेश में डाल देता है कि वह घमंडी था या फिर उसे फिल्मों की काली सच्चाई बहुत पहले ही समझ आ गई थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म मिस्टर नटवरलाल का नाम शुरू में केवल नटवरलाल ही रखा गया था, पर रिलीज के कुछ ही दिन पहले निर्माताओं को कोर्ट का नोटिस मिला कि आप इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इस नाम के किसी शख्स ने इस पर आपत्ति जताई है, यह शख्स कोई और नहीं बल्कि ठग नटवरलाल था। खैर, निर्माताओं को मजबूरन फिल्म का नाम बदलकर मिस्टर नटवरलाल करना पड़ा। फैक्ट नंबर 5, फिल्म के नाम को लेकर एक कहानी यह भी मशहूर है कि जब इसकी शूटिंग पूरी हो गई तो किसी ने बताया कि नटवरलाल नाम तो किसी अन्य निर्माता ने पहले ही रजिस्टर्ड करवा रखा है। इस तरह से निर्माता टीटू नटवरलाल के आगे मिस्टर शब्द को जोड़ दिया, पर इस पर भी आपत्ति जताई गई कि नटवरलाल एक पुरुष है और उसके नाम के आगे मिस्टर शब्द वैसे ही जुड़ जाता है, अतः दोनों नामों में कोई खास फर्क नहीं है। अंत में फिल्म का नाम कुछ यूं रखा गया, अमिताभ बच्चन इन एंड एज मिस्टर नटवरलाल, और यही नाम फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट में भी देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म से अमिताभ बच्चन ने गायकी में भी अपना हाथ आजमाया और एक बड़े ही बेहतरीन गीत मेरे पास आओ मेरे दोस्तों में अपनी आवाज दी। फिल्म में अमिताभ बच्चन की आवाज को प्रयोग करने का आइडिया गीतकार आनंद बख्शी का था, साथ ही अमिताभ बच्चन को इस गीत के लिए मनाने और प्रोत्साहित करने में निर्देशक राकेश कुमार और संगीतकार राजेश रोशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
फैक्ट नंबर 7, फिल्म के इस गाने में अमिताभ बच्चन के अलावा एक बच्चे की आवाज बीच बीच में सुनाई पड़ती है, जो अमिताभ बच्चन को गाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मास्टर रवि ही थे, जिन्होंने फिल्म में मुन्ना का एक महत्वपूर्ण किरदार भी निभाया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में अमिताभ और रेखा की जोड़ी बेहद ही खूबसूरत लगी है। जहां इस जोड़े को लोगों ने खूब पसंद किया, वहीं जया बच्चन को यह बड़ा नागवार गुजरा। उन्होंने अमिताभ बच्चन को सख्त हिदायत दी कि अब वो रेखा के साथ कोई फिल्म ना करें। अमिताभ ने यह बात गांठ बांध ली, लेकिन इसके बाद भी दोनों के जोड़े की अन्य दो फिल्में आईं। पहली फिल्म थी साल 1980 की राम बलराम और दूसरी 1981 की सिलसिला। पर जहां फिल्म राम बलराम को दोनों ने मिस्टर नटवरलाल से पहले साइन किया था, वहीं सिलसिला फिल्म के लिए खुद जया बच्चन ने सहमति दी थी। फैक्ट नंबर 9, फिल्म मिस्टर नटवरलाल के निर्देशक थे राकेश कुमार, जो कि एक स्वतंत्र निर्देशक बनने से पहले प्रकाश मेहरा को फिल्म समाधि और जंजीर में असिस्ट कर चुके थे। प्रकाश मेहरा ने इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें अपनी फिल्म खून पसीना में एज अ डायरेक्टर ब्रेक दिया। इनकी फिल्मोग्राफी पर गौर करें तो पता चलता है कि मिस्टर नटवरलाल के अलावा इनकी केवल 3 ही फिल्में मशहूर हो पाईं। ये फिल्में थी साल 1977 की खून पसीना, 1980 की 2 और 2 5 और 1981 की याराना। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के गीत परदेसिया ये सच है पिया को आनंद बख्शी ने केवल 15 मिनट में ही लिखा था, वो भी धुन के साथ। बाद में राकेश रोशन ने भी उस धुन में फेर बदल करके अगले 1.25 घंटे में गाने को पूरी तरह से बना दिया था। इस तरह से यह गीत केवल 1.5 घंटे के एक म्यूजिक सिटिंग में ही बन गया था। फैक्ट नंबर 11, इसी म्यूजिक सेटिंग में फिल्म का एक अन्य गीत मेरे पास आओ मेरे दोस्तों को बख्शी साहब ने केवल 10 मिनट में ही लिख डाला था। इस तरह से एक सेटिंग में 2 गाने बनाकर बख्शी साहब और राकेश रोशन ने इतिहास ही रच डाला था। ये दोनों गाने उस साल के सबसे लोकप्रिय गीत तो रहे ही, साथ ही साथ इनकी लोकप्रियता आज भी जस की तस बनी हुई है। फैक्ट नंबर 12, फिल्म के गानों के साथ इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी लोकप्रिय हुआ था। इसके बैकग्राउंड म्यूजिक में एक अलग ही तरह का प्रयोग हुआ था, जिसमें तबले का शानदार उपयोग फिल्म के कई दृश्यों में थ्रिल पैदा करने के लिए किया गया है। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की लोकप्रियता को देखते हुए साल 1984 की फिल्म कसम पैदा करने वाले की में बब्बर सुभाष ने इसे पुनः प्रयोग किया था। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म में रेखा द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए रंजीता कौर की भी चर्चा थी, यद्यपि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। इसके 2 संभावित कारण नजर आते हैं। एक तो उन दिनों रंजीता की छवि एक ग्रेड हीरोइन वाली नहीं थी, और दूसरी यह कि अमिताभ बच्चन ने स्वयं रेखा की सिफारिश की हो। फैक्ट नंबर 14, फिल्म मिस्टर नटवरलाल राजेश रोशन के संगीत कैरियर में मील का पत्थर मानी जाती है। यह उनके कैरियर के शुरुआती दिनों के कुछ फिल्मों में से एक थी। इससे पहले वो जूली और देश प्रदेश जैसी फिल्मों में बेहद ही लोकप्रिय संगीत दे चुके थे। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि मिस्टर नटवरलाल के दौरान राजेश रोशन की उम्र बामुश्किल 22 साल की रही होगी। फैक्ट नंबर 15, फिल्म के गीत ऊंची ऊंची बातों से के संगीत में एक खास किस्म के ब्राजीलियन संगीत की झलक मिलती है, जिसका प्रयोग साल 1939 में आई प्रसिद्ध ब्राजीलियन गीत एक्वारेला डू ब्रासिल में किया गया था। इस धुन की झलक साल 2014 में आई शकीरा के प्रसिद्ध फुटबॉल थीम सॉन्ग ला 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 में भी नजर आता है। गौरतलब है कि इसी प्रकार का एक म्यूजिक पीस का प्रयोग अमिताभ बच्चन की साल 1973 में आई फिल्म गहरी चाल के एक कैबरे डांस में भी किया गया था। फैक्ट नंबर 16, फिल्म के निर्माता टोनी ने अपने भाई टीटो के साथ मिलकर फिल्म मिस्टर नटवरलाल से पहले राम बलराम की घोषणा की थी। यहां तक कि फिल्म का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन धर्मेंद्र की व्यस्तता के चलते काम रुकने लगा। ऐसे में टोनी और टीटो ने एक अन्य फिल्म मिस्टर नटवरलाल की प्लानिंग की और 18 अप्रैल 1977 को इसका मुहूर्त रखा। परिस्थितियां कुछ ऐसी भी बनी कि यह फिल्म पहले बनकर रिलीज भी हुई, जबकि राम बलराम इसके अगले साल 1980 में जाकर रिलीज हो पाई। फैक्ट नंबर 17, फिल्म मिस्टर नटवरलाल और राम बलराम की सफलता के बाद निर्माताओं टोनी और टीटो तथा निर्देशक राकेश कुमार की तिकड़ी ने एक साथ 2 अन्य फिल्मों का भी प्लान किया, पर दोनों ही फिल्में नहीं बन पाईं। ये फिल्में थी टाइगर और एंथोनी। जहां फिल्म टाइगर के लीड रोल में अमिताभ बच्चन को लिया जाना था, वहीं एंथोनी के हीरो संजय दत्त बनने वाले थे। फैक्ट नंबर 18, फिल्म के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन को एक बाघ के साथ लड़ते हुए दिखाया गया था। इससे पहले साल
1977 की फिल्म खून पसीना में भी एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही फिल्मों में एक ही बाघिन का प्रयोग किया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक बाघिन थी जिसका नाम भारती था। दोनों ही फिल्मों में भारती के साथ अमिताभ बच्चन के कुछ क्लोजअप रखे गए थे, जबकि बाकी दृश्य बॉडी डबल्स के साथ फिल्माए गए थे। फैक्ट नंबर 19, 70 के दशक में जिस प्रकार अमिताभ बच्चन की जोड़ी शशि कपूर, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फेमस रही, ठीक उसी तरह अमजद खान के साथ भी इनकी ट्यूनिंग देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जिस फिल्म का विलेन खतरनाक हो उसका हीरो अपने आप ही पावरफुल नजर आने लगता है। ठीक इसी तरह फिल्म मिस्टर नटवरलाल में भी अमजद खान ने एक दमदार खलनायक बनकर अमिताभ बच्चन के हीरोइज्म को चार चांद लगाए थे। अमजद खान और अमिताभ बच्चन निजी जीवन में बेहद ही अच्छे मित्र रहे और इनकी यह मित्रता साल 1981 की फिल्म याराना में देखने को भी मिली थी। फैक्ट नंबर 20, फिल्म मिस्टर नटवरलाल में एक और खास बात है इसकी सिनेमाइजेशन, जिसमें फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री का अहम योगदान था। फली मिस्त्री ने ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन फिल्मों का भी दौर देखा था। इन्होंने साल 1948 की मेला, 1954 की नागिन, 1966 की गाइड, 1968 की नीलकमल, 1970 की जॉनी मेरा नाम, 1971 की हरे रामा हरे कृष्णा में भी अपने कैमरे का जबरदस्त कमाल दिखाया था। मिस्टर नटवरलाल और राम बलराम इनके कैरियर के आखिरी फिल्मों में से रही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपने कैरियर का अधिकांश काम देव आनंद की नौकेतन फिल्म्स के लिए किया था, पर कैरियर के अंतिम दिनों में ये टोनी और टीटो जैसे निर्माताओं के लिए काम करने लगे थे। फैक्ट नंबर 21, फिल्म मिस्टर नटवरलाल का एक बड़ा ही लिमिटेड LP रिकॉर्ड्स जारी किया गया था। इस लिमिटेड एडिशन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसके साइड ए में मेरे पास आओ मेरे दोस्तों गीत को रखा गया था और साइड बी में फिल्म के एक कॉमेडी सीन के डायलॉग्स को जगह मिली थी। फैक्ट नंबर 22, फिल्म में अमिताभ बच्चन के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी अजीत खान ने। यह मजे की बात यह है कि अजीत खान उन दिनों अपनी जबरदस्त खलनायकी के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक सकारात्मक भूमिका निभाई थी जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। फैक्ट नंबर 23, बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसकी आउटडोर शूटिंग शिमला तथा कश्मीर के जम्मू और बिरुआ क्षेत्र में हुई थी। इसकी इंडोर शूटिंग बम्बई स्थित फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान स्टूडियो, महबूब स्टूडियो और आरके स्टूडियो जैसे अन्य जगहों पर की गई थी। फैक्ट नंबर 24, मिस्टर नटवरलाल ने समय दर समय कई फिल्मकारों को ठगी पर आधारित फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया है। इसी क्रम में साल 2014 में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म राजा नटवरलाल भी आई थी, जिसमें इमरान हाशमी एक ठग सरीखी की भूमिका निभाते नजर आते हैं। इस फिल्म की कहानी भले ही पुरानी मिस्टर नटवरलाल जैसी ना हो, पर इसका थीम और नाम लगभग उसी के जैसा है। फैक्ट नंबर 25, साल 1980 में आयोजित 27वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तथा राजेश रोशन को बेस्ट म्यूजिक के लिए नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन इस साल के बेस्ट एक्टर रहे फिल्म गोलमाल के लिए अमोल पालेकर, बेस्ट सिंगर रहे फिल्म दादा के गीत दिल के टुकड़े टुकड़े के लिए येशुदास तथा बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म सरगम के लिए हासिल हुआ। तो ये थी साल 1979 की अमिताभ बच्चन और रेखा की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म मिस्टर नटवरलाल पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।